दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रांस के एक घर के बारे में बताऊंगा जिसमें उसके नए मालिकों को एक छिपा हुआ कमरा मिला। और आप शायद विश्वास न करें पर पिछले 102 सालों से किसी ने भी इस कमरे को छुआ तक नहीं था। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मुझे अपने विचार और निर्णय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी दुनिया इतनी बड़ी है कि आज भी धरती पर कई ऐसे हिस्से हैं जहां तक ना ही समय और ना ही इंसान पहुंच पाए हैं। और जब सबसे पहली बार हमें ऐसी जगह दिखाई देती है तो हम उन्हें देखकर सीधा भूतकाल यानी कि पास्ट में चले जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर समय रुक सा गया हो और पूरे 100 सालों तक रुका ही रहा हो, ना ही कोई हलचल हो और ना ही वहाँ कोई छेड़छाड़। अब जरा सोच कर देखिए, ये समय 20वीं शताब्दी की शुरुआत का हो और शायद आप तो वो चीज़ कभी सोच भी नहीं सकते जो चीज़ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों क्या आपकी उम्र 25 साल से कम है? क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं? क्या आप शेयर बाजार में निवेश करके इन्वेस्टिंग कंसेप्ट सीखना चाहते हैं? अगर इन सभी सवालों में आपकी हाँ है तो फिर ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ आपके काम की ही बात हो रही है। आजकल के यंगस्टर को शेयर मार्केट में काफी रुचि रहती है लेकिन उनको पूरी डिटेल अच्छे से एक ही जगह मिलना मुश्किल होता है। इसके लिए 5 पैसा लाया है यंगस्टर्स के लिए बहुत ही यूजफुल इनिशिएटिव। आपको शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। डीमैट अकाउंट में बहुत तरीके के चार्जेस लगते हैं। कोई पहली बार इन्वेस्ट करने जाता है तो इतने सारे चार्जेस देखता है तो वहाँ इन्वेस्ट करने का डिसीजन वो अपना होल्ड पर डाल देता है। 5 पैसा लाया है स्टूडेंट और यंग लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर। यदि आपकी उम्र 25 साल से कम है और आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह ऑफर आपके लिए है। 9 अकाउंट ओपनिंग फी। जी हाँ, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। 9 ब्रोकरेज। जी हाँ, आपने सही सुना, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें या फिर डिलीवरी, आपसे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा। 5 पैसा ने यंगस्टर्स को इन्वेस्ट एंड ट्रेडिंग सिखाने के लिए, उनके लिए इंट्राडे हो या फिर चाहे डिलीवरी ही, वो सब कुछ बिल्कुल फ्री कर दी है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा यानी कि नो AMC, जबकि बाकी ब्रोकर्स का यह 300 से 1000 रुपए के आसपास का होता है। डिलीवरी ट्रेड्स में सेल करते वक्त CDSL को DP चार्जेस चुकाने पड़ते हैं। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम DP चार्जेस 5 पैसा के हैं, आपको सिर्फ 5 रुपए चुकाने होंगे जबकि बाकी जगह यह 15 रुपए के आसपास होता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए ना प्लेटफॉर्म फी देने की जरूरत और ना ही कोई कमीशन। 5 पैसा स्कूल शेयर बाजार से जुड़ी लर्निंग ऐप है। यहाँ 1 concept in 1 minute यानी कि हर एक कोर्स को आप बिल्कुल आसान शब्दों में सीख सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर्स इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आईफोन यूजर्स डायरेक्ट वेबसाइट पर यानी कि school.5paisa.com पर जाकर इसका फायदा उठा सकते हैं और जब चाहे जहाँ चाहे वहीं से स्टॉक मार्केट सीखना शुरू कर सकते हैं। तो फिर 5 पैसा के साथ अपना पहला फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर फ्री। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डीमैट अकाउंट खोलते वक्त प्रोमो कोड यंग वेस्टर यूज करना बिल्कुल न भूलें। कुछ महीने पहले फ्रांस का एक साधारण सा परिवार जिसने बैलब नाम के एक गांव में एक घर खरीदने का सोचा, उन्होंने ये घर खरीदा लेकिन ये घर एक रहस्य के साथ उन्हें मिला। दिखने में ही ये घर 19वीं शताब्दी की झलक दिखाता था, जिसके अंदर बहुत सारे कमरे बने हुए थे, जिसके बाहर एक बड़ा सारा गार्डन था। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी खिड़कियां हैं जिनको घर के बाहर से तो देखा जा सकता है लेकिन घर के अंदर वो कहां पर है ये उनको भी नहीं पता। जिसके बाद इस घर के नए मालिकों को ये पता चला कि यहां एक कमरा है जिसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद ये सामने आया कि ये कमरा लगभग 100 सालों पहले ईंटों की दीवार से ढक दिया गया था। अब बेशक इसके नए मालिकों को ये जिज्ञासा हुई कि कमरे में क्या है और इसके पुराने मालिकों ने इसमें क्या छुपाया है। जैसे ही उन्होंने वो कमरा खोला तो सभी तुरंत समय में बहुत पीछे चले गए और सीधा इस घर के पहले मालिक की निशानियां उन्हें मिली। असल में वो कमरा एक 22 साल के फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट सैनिक का था जिसका नाम उबेर रोशारू था। उस कमरे में उस घर के मालिक की फोटो टंगी हुई थी जिसमें वो अपना ये घर किसी अन्य लोगों को बेचता हुआ दिखाया गया था। इसके बाद ये भी सामने आया कि उबेर ने पहले विश्व युद्ध में अपनी सेवाएं दी और लड़ते लड़ते देश के लिए खत्म हो गए। वो दिन था 26 अप्रैल 1918 का। उस आदमी को पहले तो ब्रिटेन के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया लेकिन जल्दी ही उसे वहां से निकालकर उसकी जन्मभूमि में फिर से दफना दिया गया। और तब ये समय था 1922 का, जिसके बाद ही उसे बहादुरी का पुरस्कार भी दिया गया था। इस सैनिक के माता पिता अपने बेटे को खोने के गम में पूरी तरह टूट चुके थे। वो इस बात से इतने दुखी थे कि उन्होंने अपने बेटे के कमरे की एक भी चीज को छूने से मना कर दिया और ऐसा ही होने से बचाने के लिए उन्होंने इस कमरे के मुख्य गेट पर
ईंटों की दीवार बनवा दी, ताकि जैसा उबेर ने 1915 में उस दिन ये कमरा छोड़ा था वैसे ही ये हमेशा के लिए रह सके। वो जाते समय अपने कमरे में चाहे कुछ भी करके गए हों, लेकिन उनके जाने के बाद से ये कमरा कभी छेड़ा नहीं गया था। जिसके बाद उसके माता पिता ने अपने आप से ही ये वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी हालत में अपने बेटे के इस कमरे को नहीं खोलेंगे। अब समय बीता और लगभग 13 सालों बाद सन 1935 में रोशेरू परिवार को ये घर छोड़ना पड़ा और वो यहाँ से निकल गए। और जाने से पहले उन्होंने अपना ये घर फ्रांस के जनरल यूजीन ब्रूडो को बेच दिया, लेकिन बेचने से पहले उन्होंने ये कंडीशन यूजीन के सामने रखी कि चाहे कुछ भी हो जाए कम से कम अगले 500 सालों तक कोई भी इस कमरे को नहीं छेड़ेगा। ब्रूडो ने रोशेरू परिवार से ये वादा किया और उन्हें ये संपत्ति मिल गई। उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए नई बनी दीवार पर वो पेंट भी करवा दिया जो पूरे घर पर हुआ हुआ था, ताकि ये किसी को दिखे ही नहीं। लेकिन जैसा हम सबको पता है कि सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और अब यहाँ पर यूजीन को डर था कि कहीं उसे भी ये घर अब छोड़ना ना पड़ जाए, और अगर छोड़ दिया तो इस कमरे का ख्याल कौन रखेगा। बदकिस्मती से दूसरे विश्व युद्ध में फ्रांस की आर्मी ने जर्मनी के आगे घुटने टेक दिए, जिस वजह से जनरल ब्रूडो को मजबूरन जर्मनी सरकार की बातों का पालन करना पड़ा। अब क्योंकि वो सन 1940 से ही एक अच्छे पद पर तैनात थे तो वो अपने इस पद को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए जब ये विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जनरल ब्रूडो को डर था कि अब फ्रांस सरकार उसे जर्मनी के आगे घुटने टेकने के लिए सजा जरूर देगी, इसलिए वो पहले ही वहां से भागकर स्पेन चले गए। लेकिन वहां भी वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। 1955 में उन्हें पकड़ लिया गया और सजाए मौत दी गई, जिसके बाद सरकार ने उस घर को अपने कब्जे में लिया और नीलामी कर बेच दिया। किस्मत से इस घर को ब्रूडो की पोती ने ही खरीदा। वो अपने पति डैनियल के साथ इस घर में शिफ्ट हो गई, लेकिन अब इस घर के नए मालिक को रोशेरू परिवार की तरफ से की गई वो प्रॉमिस याद थी, जिस वजह से उन्होंने भी इस कमरे को नहीं छेड़ा और जैसे का तैसे पड़ा रहा। कमाल की बात ये थी कि डैनियल और उसकी पत्नी इस घर में पूरे 70 सालों तक रहे और सन 2014 में डैनियल की मौत हुई। जरा सोचकर देखिए, इस घर में पूरी एक पीढ़ी बीत गई। यहाँ पर उनके बच्चे और उनके बच्चों के भी बच्चे बड़े हुए, लेकिन किसी ने भी उस खुफिया कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करी। सन 2014 से सन 2020 तक इस घर का कोई मालिक नहीं था, इसके बाद सरकार ने इसे फिर से नीलाम कर दिया और अब फिर से इस घर को नए मालिक मिले। लेकिन अब की बार जो मालिक इस घर को मिले थे उनको रोशेरू परिवार द्वारा दी गई उस प्रॉमिस के बारे में कुछ नहीं पता था, जो पिछले 102 सालों से एक रीति रिवाज की तरह चलती आ रही थी। इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे इस कमरे को खोल डाला। लेकिन जैसे ही वो इस कमरे में अंदर घुसे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस कमरे में पड़ा हुआ हर सामान पूरी तरह से एंटीक था। एक नजर में इस कमरे को देखने पर आपको ये पता लग जाएगा कि 100 सालों पहले ये दुनिया कैसी थी। 22 साल के उस लड़के के मरने के बाद इस कमरे में समय मानो रुक ही गया था। उबेर रोशेरू का एक बड़ा सा फोटो दीवार पर टंगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे ये फोटो नए मालिकों का स्वागत कर रही हो। उबेर की ड्राइंग्स और किताबें जो अब लगभग 110 साल पुरानी थी वो टेबल पर रखी हुई थी। उसको सेना में मिले हुए मेडल्स, मिलिट्री क्रॉसेस, इसके अलावा ऑर्डर ऑफ द लेजाइन ऑफ हॉनर बेड पर टंगे हुए थे। इसके अलावा उसके दोस्तों के फोटोज भी बेड की साइड में रखे बुक शेल्फ पर रखे हुए थे। मेरे ख्याल से उसके दोस्त भी पहले विश्व युद्ध में उसी की तरह शहीद हो गए होंगे। बदकिस्मती से कुछ था जिसे प्रकृति द्वारा खा लिया गया था। जी हाँ, जैसे कि उसकी पुरानी वर्दी जो कि कमरे के बीच में एक स्टैंड पर टंगी हुई थी। मेरे ख्याल से पक्का यहाँ ये वर्दी उबेर ने ही अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले टांगी होगी। यहाँ पर एक अर्थ की बॉटल भी मिली जिसके ऊपर अर्थ ऑफ फ्लैंडर्स लिखा हुआ था। इसके अलावा उसकी टेबल पर कुछ वो सामान भी था जो उसने अपनी बचपन की यादों में रखा हुआ था, जैसे कि एक फोटो जब वो 4 साल का था। इसके अलावा अभी भी तलवारों के जोड़े दीवारों पर टंगे हुए थे, यहाँ तक कि वो कुर्सी भी जिस पर कमरे का मालिक कभी बैठता होगा वो भी अपनी सही जगह पर पूरे एक शतक तक रखी रही। अब काफी सारे कमाल के एंटीक टेबल्स पर रखे हुए थे, जैसे कि कैंडलस्टिक, एक एस्ट्रे, कुछ पुराने फोटोग्राफ्स और कई छोटे बड़े चाकू। बहुत सारी किताबों के अलावा उबेर के 2 जोड़ी जूते भी रैक में रखे हुए मिले। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के अंत की सारी घड़ियां और बंदूकें भी इसी कमरे में पाई गई। मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन उस समय भी सिगार्स हुआ करते थे जो कि इस कमरे में काफी सारे पाए गए। इसके अलावा भी बहुत सारी कमाल की चीजें इस कमरे में संजोकर रखी गई थी। इस घर के नए मालिक ने कहा
कि जैसे ही आप इस कमरे में अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि इस कमरे का मालिक अभी अभी इस कमरे से बाहर गया हो और जल्दी ही वो इसमें वापस आएगा। इस नए मालिक के मुताबिक अब उनका कोई प्लान नहीं है कि वो इस कमरे से कुछ भी छेड़छाड़ करें, लेकिन वो इसे पहले की तरह बंद भी नहीं करना चाहते। इसे बंद करने की बजाय इन नए मालिकों ने इसे एक म्यूजियम बना दिया है और यहाँ पर लोग आते हैं और उबेर रोशेरू के सामान को देखकर उस जमाने को याद करते हैं। उसके परिवार की एक इच्छा की वजह से आज हमें कितना पुराना इतिहास देखने को मिला। लोकल लोग भी नए मालिकों के इस निर्णय से काफी खुश थे और कहा कि बेशक 102 साल से इस कमरे का रीति रिवाज चलता रहा हो, लेकिन फिर भी ये कमरा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इस कमरे में रखा सामान इस घर के मालिक को ही दिया जाएगा। इस तरह का सामान या फिर इस तरह की ये यादें फिर से मिलना आज लगभग नामुमकिन है, लेकिन इस कमरे को देखना जो लगभग 100 सालों से भी ज्यादा पुराना हो, इसे देखकर लगता है हम इतिहास को आज भी छू सकते हैं। दोस्तों आप मुझे बताएं कि अगर आप इस घर के नए मालिक होते और अगर आपको ये सारी चीजें मिलती तो आप क्या करते। खैर दोस्तों, मनाली टूर की दूसरी वीडियो मेरे व्लॉग चैनल पर आ रही है। सो गाइस, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस चैनल पर जाएं और हमारी व्लॉग वीडियो जरूर देखें एंड प्लीज उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है रोहित को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं जिससे आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या सोचते हैं मुझे उसके बारे में जरूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।